यूज करते हैं, तो स्पेसिफिक पर्पस में जैसे हम कोई भी अपने प्रोग्राम में या अपने सॉफ्टवेयर में या कोई भी हमको स्पेसिफिक टास्क जो परफॉर्म कराना रहता है उसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्पेसिफिक पर्पस में जैसे हम अगर वीडियो एडिटर इंस्टॉल कर रहे हैं तो वीडियो एडिटर भी इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि वो हमको हमारे पास कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा वीडियो एडिटर को इंस्टॉल करने का। अगर हमको मीन्स हमको अगर कोई भी वीडियो है उसको हम क्या करना है, एडिट करना है, तो वो भी हमारा स्पेसिफिक पर्पस है। मीन्स हम अगर कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो हम इसमें कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है इट इज क्लासिफाइड एज अ पैकेज प्रोग्राम और कस्टमाइज प्रोग्राम। इसमें क्लासिफाइज होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में पैकेज प्रोग्राम और कस्टमाइज्ड प्रोग्राम, क्योंकि ये जो है वो पैकेज फॉर्म में होता है। इसमें जो है हमको कुछ पैकेज जो एक प्रोग्राम होता है वो पैकेज में हमको क्या करना रहता है, इंस्टॉल करना रहता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, इट इज क्लासिफाइड एज टाइम शेयरिंग रिसोर्स शेयरिंग और क्लाइंट सर्वर। तो इसका क्लासिफाइड क्या है, टाइम शेयरिंग रिसोर्स शेयरिंग और क्लाइंट सर्वर। तो इसमें अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है कि टाइम शेयरिंग हो सकता है, रिसोर्स शेयरिंग हो सकता है, क्लाइंट सर्वर हो सकता है। मीन्स अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमारे मोबाइल में अगर वो इंस्टॉल है, हम किसी ऐप गूगल प्ले में जाने अगर हम किसी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं और अगर उसको हम शेयर करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, शेयर ऐसे कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, टाइम शेयरिंग और रिसोर्स शेयरिंग, क्या कर सकते हैं उसको शेयर कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट है एग्जांपल किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर, ड्राइवर एक्सेट्रा। क्यों, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम देखे थे, जब सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में तो देखे थे इसका एग्जांपल क्या होता है। तो इस एग्जांपल में हम देखे थे कंपाइलर, डिस्क्रिप्शन भी देखे थे। कंपाइलर क्या होता है, जैसे हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, हम प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम क्रिएट होता है तो वो क्या करता है, पूरे सोर्स कोड को वो कंपाइल करके देता है। अगर उसमें कोई भी एरर है तो वो लास्ट में क्या करता है, उस एरर को शो करता है, तो वो होता है कंपाइलर। और इसमें एक होता है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। तो अगर हमारे पास कोई भी फर्स्ट टाइम से चेक करना स्टार्ट करेगा एरर, अगर उसके सोर्स कोड में अगर फर्स्ट टाइम में ही एरर है तो क्या करेगा, जब तक उसका एरर रिमूव नहीं करेगा तब तक वो नेक्स्ट टाइम में मूव नहीं करेगा कंपाइलर। लाइन बाय लाइन जो है वो चेक करते हैं। और नेक्स्ट है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है कि ये ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। मीन्स जो भी हमारा बाइनरी कोड होता है जीरो और वन, उसमें क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, जो भी हमारा इनपुट रहता है उसको ट्रांसलेट करके हमको क्या शो करता है, उसका आउटपुट या उसका रिजल्ट। और ड्राइवर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ड्राइवर ऐसे ही इंस्टॉल होते हैं, जैसे हमारे पास सी ड्राइवर, डी ड्राइवर, ई ड्राइवर, वो क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम पे ही हमको उस कंपनी के थ्रू इंस्टॉल मिलते हैं। तो ये था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल। इसमें एक और होता है कि बूट कोड। बूट कोड क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है बूट कोड। मीन्स अगर वो बूट कोड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी एनवायरमेंट रहता है उसको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बूट कोड। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एग्जाम्पल देखते हैं प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर, ये होता है ऐसा कहना। प्रोसेसर हम और वेब ब्राउजर क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो जो भी सॉफ्टवेयर यूजर के द्वारा इंस्टॉल किए जाते हैं वो क्या है, इसके एग्जांपल है। मीन्स यूजर जो है क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। जैसे हमको अगर मीडिया प्लेयर करना है या वीडियो एडिटर करना है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर करना है, फोटो एडिटर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूजर के थ्रू सॉफ्टवेयर
अपना जो भी डेटा रहेगा उसको हम रख सकते हैं, वो भी
यूजर के द्वारा जो है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और ये उसके फीचर्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के और सिस्टम सॉफ्टवेयर।